तो बच्चों आज हम लोग आ गए हिंदी का पेपर लेके। ये क्लास 7वीं का हिंदी का पेपर है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर आएगा वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता आएगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर आया वो देखते हैं क्या क्या आया है। जो पहला क्वेश्चन है वो है पैसेज वाला। एक पैसेज दे रखा है और बच्चों को इसमें इसके आंसर ढूंढ के देने हैं। तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको पैसेज ढूंढना है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक पोएम दे रखी है, कविता दे रखी है, और उसके आंसर देने हैं। जो क्वेश्चन नंबर तीन है उसके अंदर व्याकरण दे रखा है, इसको आप लोग कर लोगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन के बाद क्वेश्चन नंबर चार पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में भी एक पैसेज टाइप का दे रखा है जो आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो आप इसमें से अच्छे से ध्यान से ढूंढ ढूंढ के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर पांच आता है, क्वेश्चन नंबर पांच में भी एक पोयम जैसी दे रखी है, और इस पोयम के कुछ क्वेश्चन पूछे गए और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। फिर इसके बाद जो हम अगले पेज पे पहुंचते हैं, तो अगले पेज पे जो दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर छह दे रखा है। इस क्वेश्चन नंबर छह में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो बुक के क्वेश्चन आंसर है जो आपको टिक लगाना है। अच्छा, इसके बाद जो आपको दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात में इसने पूछा है पंछियों के पंख कैसे है। तो ये भी एक तरह का आपको खुद ही क्वेश्चन ढूंढ के करना है। और इसके बाद जो सेक्शन बी है, खंड बा दे रखा है, खंड बा में ये हमारा ग्रामर वाला पार्ट है, व्याकरण वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर आठ में द्वंद समास का एग्जाम्पल पूछ रहा है। इसके सेकंड वाले पार्ट में मुझे विद्यालय जाना है, मैं मुझे शब्द के भेद लिखने हैं, सोना या सोन शब्द के एक शब्द का निर्माण करना है, मिठाई शब्द का बहुवचन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आठ है, या जिसे हम लोग कह सकते हैं जो सेक्शन बी है, ये टोटली व्याकरण के ऊपर है। जो क्वेश्चन नंबर नौ है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बुक के, ये आप बुक को पढ़ने के बाद ही दे सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नौ है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं, ये भी बुक के क्वेश्चन आंसर है और काफी आसान क्वेश्चन आंसर है, कठपुतली वाले चैप्टर का। ये क्वेश्चन नंबर दस का थर्ड वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, कठपुतली वाले चैप्टर से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर ग्यारह में निम्नलिखित प्रश्नों में से चार प्रश्नों को ही आप लोगों को उत्तर करने हैं, और यहाँ पांच दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर जो बारह है इसमें भी तीन के आंसर देने हैं, और ये सारे बुक के ही क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो तेरह है उसमें अनुच्छेद लिखना है, मतलब एक पैराग्राफ लिखना है और किसी एक विषय पे लिखना है आपको। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तेरह के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आप लोगों को पत्र लिखना है। इसी तरह आपका ये पेपर आएगा। मॉर्निंग शिफ्ट का तो आ चुका है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी कुछ ऐसा ही आएगा।